क्लास नाइन्थ के लिए ये पार्ट फाइव है, भौतिक विज्ञान का आपका विषय पढ़ना है मुझे। और चैप्टर हम चला रहे हैं बहुत ज़्यादा गति के नियम। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बल के बारे में बताया था, गति के नियम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो गति के नियम में लगभग दो नियम मैंने बता दिया था, गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम। तो न्यूटन ने लगभग गति के बारे में इससे संबंधित परिभाषा दिए थे। हम आपको फिर से एक बार दो नियम में रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको ये टॉपिक लगातार आने की पोजिशन पे बना रहे। तो इधर मैं बता रहा गति, गति के तीन नियम होते हैं। मैंने डिस्कस किया था प्रथम नियम के बारे में। तो प्रथम नियम क्या बता रहा है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सेम कंडीशन, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो हमेशा गति अवस्था में बना रहना चाहता है, कब तक, जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यही तो गति का प्रथम नियम है जो मैंने आपसे डिस्कस किया इन प्रीवियस वीडियो। लेकिन आज की वीडियो में हम गति के नियम, अरे गति के द्वितीय नियम में बता दिया था। गति नियम क्या था, द्वितीय नियम ये था कि जो बल है वो अनुपस्थित द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को बेटा किस दिखाते हैं, एफ से। तो काम किस दिखाते हैं, एम से। काम किस दिखाते हैं, ए से। तो एफ क्वांटिटी क्या होगा बच्चों, एम ए हो गया। मैंने बताया इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा बेटा किग्रा। इसका मात्रक होगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरा मात्रक बताया था मैंने, दूसरा मात्रक क्या होता है, दूसरा मात्रक बताया बेटा न्यूटन। न्यूटन कैपिटल एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इतना तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, अब आते हैं आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में न्यूटन का तीन नियम, दो तो हो गए थे, तीन नियम के बारे में बताने का। तो ये है गति का तीन नियम, गति का तृतीय नियम। बेटा ये जो नियम है ये पिछले के दो वीडियो, दो नियम से इजी है, बहुत ही छोटा है, इसका डिफिनेशन भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो जान लो, पहले मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जा रहा है, अगर उतना ही बल सामने का ऑब्जेक्ट भी उसी ऊपर अप्लाई करे, दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि उस पर नेट कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। शून्य कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट बल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु पे कोई कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य का जो क्रिया होगा उसके प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में होगा, दोनों बल अपोजिट होंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो कि ये ब्लैक बोल्ट है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ फोर्स लगाया, पुश किया, तो ये जो ब्लैकबोर्ड पीछे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उतना फोर्स ये मेरे पर ऊपर अप्लाई कर रहा है, यानी हमारे तरफ लगाया गया बल और दीवार की तरफ लगाया गया बल, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जो मैं बल लगा रहा हूँ वो क्रिया है, और जो सामने से बल लग रहा है उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है। ये बच्चों तो ये कंडीशन है, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं इसको, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। आप जैसे होता है ना कि किसी भी इंसान को अगर टॉर्चर किया जाए तो आपका एक्शन है, लेकिन सामने से जो आपको फोर्स लगेगा वो क्या है, रिएक्शन है। तो यही कहा जाता है ना कि एक्शन के पीछे रिएक्शन देखने में मिलता है ना। तो बेटा सेम कंडीशन ही वही चीज़ तो है, आप कोई वर्क कर रहे हो या कार कर रहे हो, कोई रिएक्शन है, कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन सामने का जो रिजल्ट दिखता है वो क्या है, रिएक्शन है। तो क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि बल लगाने पर हमें जो क्रिया देखने में मिलती है वो क्या है, प्रतिक्रिया है। न्यूटन ने यही चीज बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है ना, अब आप कहीं फोर्स लगा रहे हो, कहीं बैठे हो, तो अगर आप बैठे हो ना तो किसी मेज पर, तो मेज में क्या हो रहा है, उतने ही बल आपको ऊपर उठाया हुआ है, इतना फोर्स नीचे लगाया है, तभी आपकी बॉडी क्या है, बैलेंस में है। अगर यही बैलेंस बिगड़ जाए तो
एक तरह का फोर्स बढ़ जाए तो या तो आपका फोर्स या फिर मेज का लगाया गया फोर्स, और दोनों में से कोई एक फोर्स डिस्टर्ब हो गया ना तो क्या हो जाएगा, पूरी क्रिया प्रतिक्रिया क्या डिस्टर्ब हो जाएगी, ये नियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम यही होता है, समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूं कि मान लो कि पांच बच्चे इधर से एक रस्सी पकड़ गए हैं, पांच बच्चे इधर रस्सी पकड़ गए और दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर एक तरफ क्रिया किया जा रहा है, पांच लोग मिलकर एक साथ बल लगा रहे हैं, तो सामने वाला भी पांच लोग मिलकर उतना ही बल लगाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लगाएंगे तो उसकी तरफ खींच चला जाएगा। अगर बैलेंस रखना है दोनों तरफ बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि क्रिया प्रतिक्रिया का बैलेंस बना रहे। ठीक है, गति के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया नियम बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जब मैंने गति का प्रथम नियम बताया था तो प्रथम नियम में दो कंडीशन बताया था, पहला था जड़त्व, दूसरा था द्रव्यमान। तो जड़त्व बहुत ईजी है, जड़त्व तो आप लोग मैंने डिस्कस, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, कोई आपसे पूछे कि जड़त्व क्या है, अगर आप नॉर्मली इतना बोलो कि न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि गति का जो प्रथम नियम का परिभाषा है वही परिभाषा जड़त्व का नियम है। मैं बताया था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी तब तक, जब तक बार बंदा लगाया जाए तब तक, उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व। जड़त्व यही होता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस पोजिशन में, विरामा में, ठीक है, अब इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स है, तो ये क्या होगा, इमोशन करते हुए मान लो यहाँ आ गया, तो अब ये विरामा में क्या हो गया, गति बना गया। अरे फोर्स लगा तभी यहाँ पहुंचा, जब यहाँ पे आया यहाँ पहुंचा तो किस पोजिशन में आ गया, गति में आ गया, ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ये कब तक यहाँ विरामा पड़ेगा, जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे फोर्स लगाएंगे ये गति करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पे जो बल लगाया जा रहा है वो जो गति का प्रथम नियम फॉलो कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम ही कहते हैं। और जड़त्व का नियम कौन देता है, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, तो जड़त्व से संबंधित जो परिभाषा बताई गई थी ये गैलीलियो साहब ने इसके बारे में डिस्कस किया था। यही क्या है, जड़त्व है। एग्जाम में अक्सर यही पूछ जाता है कि जड़त्व का नियम किस नियम को पालन करता है, किस नियम पे फॉलो करता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। अब इसके बारे में पहले कौन बताया था, तो आप बता रहा कि गैलीलियो ने इसके बारे में बताया था, लेकिन प्रथम नियम कौन बताया था, न्यूटन ने बताया था। देखो परिभाषा सेम है लेकिन साइंटिस्ट ने दोनों चीज को अलग अलग अपने तरीके से बताया है। ठीक है, अब आते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान टॉपिक आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को आपको पूछे एक आता भार एक आता द्रव्यमान, दोनों को अलग अलग तरीके से नापते हैं। जैसे अगर आप अपना वेट नापने जाते हो तो बोलते हैं ना वेट, तो वेट की हिंदी क्या होती है, भार होता है। तो द्रव्यमान तो नहीं हुआ, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। अब आप उसकी किलोग्राम तोलते हो भार क्यों बोल रहे हो, भार का मतलब क्या होगा, न्यूटन होगा। तो दोनों अंतर है कि नहीं है, भार और किलोग्राम दोनों बहुत अंतर है। जो किलोग्राम है ये अपने हर एक कण के बारे में बताता है, हर एक कण का अपना मानक होता है उसके बारे में बताता है, और भार जो होता है वो पृथ्वी पर लगाए गए फोर्स को बताता है। ठीक है, अब अगर आप मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हमारे ऊपर क्या ग्रेविटी काम कर रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसे ही बोलते बेटा क्या, भार बोलते हैं। अब भार का फॉर्मूला होता है एम बराबर क्या होता है, एम जी। तो एम ही क्या है, द्रव्यमान है, हम इसी एम की बात कर रहे हैं, यही जो एम है वही द्रव्यमान है, यानी कि द्रव्यमान में जी क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर द्रव्यमान में जी को ऐड कर देंगे तो वह भार बन जाएगा। अब केवल अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसके द्वारा प्रत्येक कण जो उसमें समाहित है, ठीक है, कांस्टेंट दूरी में नियमित है या फिक्स है, उसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, किग्रा। ठीक है, इसका मात्रा किग्रा होता है। और आगे टॉपिक बारे में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे परिभाषा है मुझे बताना था इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको संवेग और आवेग। ठीक है, थैंक यू।